तो कहानी की शुरुआत होती है गोजीटा और ब्रोली की लड़ाई के बीच में से। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एक ऐसे सैयन से मिलते हैं जिन्हें वो दोनों मिलकर भी नहीं हरा पाते, और तभी वो दोनों आपस में फ्यूजन करके गोजीटा फ्यूजन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो अपनी पूरी ताकत में ब्रोली के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। ब्रोली एक ऐसा लेजेंडरी सैयन होता है जो गोकू और वेजिटा के उस फ्यूजन तक को टक्कर दे रहा होता है, और तभी ब्रोली और गोजीटा दोनों ही अपने सबसे ताकतवर हमले एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक धमाका होता है जिस धमाके के बाद गोकू और वेजिटा का वो फ्यूजन खत्म हो चुका होता है। वो दोनों ही ये सभी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और तभी गोकू कहता है, नहीं आखिर ये क्या हो गया वेजिटा, हमारा फ्यूजन इतनी जल्दी भला कैसे खत्म हुआ। हम देखते कि ब्रोली अभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ब्रोली अपनी लेजेंडरी ताकत से सब कुछ तबाह कर रहा होता है, और तभी वेजिटा भी कहता है, क्या कर रॉट, हमें ये सब एक आखिरी बार करना होगा। प्लैनेट अर्थ को बचाने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। गोकू और वेजिटा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपना फाइनल हमला करते हैं ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सीएन के ऊपर। ब्रोली भी अपनी ताकत को अप करता है, वो भी अपना आखिरी हमला करता है गोकू और वेजिटा की तरफ। उन दोनों के हमले आपस में काफी जोर से टकराते हैं, और इस हमले के टकराते ही गोकू और वेजिटा को मालूम चल चुका होता है कि अब इस लड़ाई का अंत किस तरीके से होगा। और तभी हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसके बाद पूरा का पूरा प्लैनेट अर्थ एकदम से शांत हो जाता है। और तभी हम सभी देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो कि कहता है, क्या आखिर मैं यहाँ पर कैसे, और ये भला कौन सी चीज है, क्या ये किसी तरीके की कोई टाइम मशीन है, टाइम कैप्सूल है। और हम देखते वो छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि गोकू होता है, और गोकू के मॉम डैड उसे प्लेनेट अर्थ की तरफ भेज रहे होते हैं। गोकू ये सभी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार वो अचानक से एक बच्चा कैसे बन चुका है। तभी गोकू की नजर उसके मॉम और डैड पे पड़ती है, और तभी बाडोक जिनेल से कह रहा होता है, हमें कुछ भी करके हमारे बेटे कैकरोट को यहाँ से जल्द भेजना होगा, क्योंकि हमारे सैयन प्लेनेट के ऊपर एक काफी बड़ा खतरा फ्रीजा आने वाला है। गोकू उन्हें बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू की बातों को नहीं सुन पा रहे होते। गोकू अपनी पावर अप करके अपनी सुपर सीन फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस वजह से वो टाइम कैप्सूल वहीं पर टूट जाता है। हम देखते कि गोकू की इस ताकत को देखकर उसके मॉम डैड काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बाडो कहता है, मेरा बेटा कैकरोट, वाकई में क्या ये सच है, क्या तुम वही लेजेंडरी सैयन हो। जो सुनकर तभी जिनेल भी काफी ज्यादा हैरान होती है, और वो कहती है, मेरा बेटा कैकरोट, वाकई में क्या ये सच है, मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा बाडोक। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि कहता है, हे आखिर आप दोनों कौन हैं, और भला आप मुझे कहां पर भेज रहे थे। जो सुनकर तभी बाडो कहता है, कैकरोट तुम हमारे बेटे हो, और आखिर तुम वो हो जिसकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी। वाकई में तुम पहले सुपर सियन हो, तुम एक लेजेंड हो गोकू। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है, और वो कहता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आखिरी बार मैं ब्रोली के साथ में लड़ाई कर रहा था, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया, ये सब भला आखिर कैसे हुआ। और तभी बाडोक भी ये सब देखकर हैरान होता है। गोकू कहता है, लगता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। हम देखते कि धीरे धीरे कर गोकू सारी बातें बाडोक और जिनेल को बताने लगता है, जो सुनकर वो सभी लोग हैरान होते हैं कि गोकू आखिर फ्यूचर से वापस पीछे आ चुका है। जिसके बाद हम सभी एक जाने पहचाने पैलेस को देखते हैं जहां पर किंग वेजिटा होते हैं। किंग वेजिटा एक शख्स से कहते हैं, तुम जल्दी करो, तुम ऐसी समय अपने मिशन के लिए जाना होगा, जल्दी करो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। हम देखते कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वेजिटा होता है। वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, क्या ये जगह तो जानी पहचानी है, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे, ये तो किंग वेजिटा का पैलेस है डैड, आखिर ये वाकई में वो ही है। हम देखते तभी किंग वेजिटा वेजिटा से कहते हैं, वेजिटा क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, आखिर मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, जल्दी करो, तुम्हें सैयन बाडो के बेटे रेडिट्स के साथ में एक मिशन पे जाना है, तो जल्दी करो, तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो क्या। वेजिटा इन सभी बातों को सुनकर हैरानी के साथ कहता है, क्या
लगता है कि मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ, लेकिन भला ये सब कैसे हुआ? और ये दिन मुझे आज भी याद है। इसी दिन तो प्लेनेट वेजिटा पूरी तरीके से तबाह हो गया था। मुझे कुछ भी करके ये सारी बातें सबको बतानी होगी। ये कहने के बाद तभी वेजिटा किंग वेजिटा से कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए डैड, आज का दिन हमारे प्लेनेट सैयन के लिए एक काफी बड़ा खतरा होने वाला है। फ्रीजा, वो हम सभी को खत्म करने के लिए यहाँ पर आने वाला है। जो सुनके किंग वेजिटा हैरानी के साथ कहते हैं, आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो चुके हो वेजिटा? जो सुनकर तभी वेजिटा सारी ही बातें किंग वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है, और जो सुनके किंग वेजिटा हैरान होते हैं। वेजिटा कहता है, मुझे कुछ भी करके सैयन बाडोक और उसके बेटे कैकरोट से मिलना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए डैड। ये सुनके किंग वेजिटा हैरान होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा होता। और तभी वो वेजिटा को लेकर हम देखते कि गोकू और बाडोक के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी फ्रीजा के स्पेसशिप को देखते हैं, जहां पर फ्रीजा का एक कमांडर कहता है, माय लॉर्ड फ्रीजा, बहुत ही जल्दी हम प्लेनेट वेजिटा में पहुंचने वाले हैं, तो मुझे बताइए कि आखिर इस बार हम उन्हें कौन से ग्रह को अपने कब्जे में करने के लिए कहने वाले हैं। जो सुनकर फ्रीजा हंसने लगता है और वो कहता है, नहीं, इस बार हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। इस बार हम जाएंगे और उस सैयन प्लेनेट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। फ्रीजा के कमांडर फ्रीजा की बात को सुनकर थोड़े से हैरान होते हैं, और तभी फ्रीजा कहता है, मुझे मालूम चला है कि कुछ समय बाद एक ऐसा सैयन पैदा होएगा जो कि सुपर सैयन गॉड कहलाएगा। ये बात मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बताई है, तो इसीलिए वो सैयन प्लेनेट हमारे लिए काफी बड़ा खतरा है। इसीलिए हमें कुछ भी करके उसे जल्द से जल्द हमेशा हमेशा के लिए तबाह करना होगा। ये कहने के बाद फ्रीजा हंसने लगता है, लेकिन दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि बाडोक किंग वेजिटा गोकू वेजिटा एक दूसरे से मिल चुके होते हैं। गोकू वेजिटा को देखकर कहता है, हे वेजिटा, क्या ये तुम ही हो? और क्या तुम्हारे साथ भी वो सब हुआ है? जो सुनकर वेजिटा कहता है, बिल्कुल बेवकूफ कैकरोट, ये मैं ही हूँ, आखिर तुम्हें और क्या लगता है? और तभी किंग वेजिटा कहते हैं, बाडोक, जो कुछ भी हमारे बेटे हमसे कह रहे हैं ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसा कि हमें लग रहा था फ्रीजा के इरादों के बारे में कि वो हमारे सैयन प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करेगा, शायद ये सब सही है। तो आखिर अब हमें आगे भला क्या करना चाहिए? जिसके ऊपर गोकू कहता है, किंग वेजिटा, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जो सुनकर बाडोक कहता है, बिल्कुल किंग वेजिटा, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मेरा बेटा कैकरोट एक लेजेंडरी सैयन है। हाँ, आपने एकदम सही सुना, मेरा बेटा बन सकता है एक सुपर सैयन। गोकू, जरा इन्हें भी दिखाओ। हम देखते कि गोकू अपनी पावर को अप करके अपने सुपर सैयन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर किंग वेजिटा हैरानी के साथ कहते हैं, नहीं, ये नामुमकिन है, तुम्हारे जैसा एक लो क्लास सैयन भला एक सुपर सैयन, लेकिन कैसे? हम देखते कि तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो लोग उस तरफ देखते हैं, वेजिटा भी अपनी सुपर सैयन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जो देखकर किंग वेजिटा खुश होते हैं और वो कहते हैं, मेरा बेटा भी बन चुका है एक सुपर सैयन, क्या बात है वेजिटा, मुझे तुम पे काफी ज्यादा गर्व है। और तभी हम देखते कि फ्रीजा का स्पेसशिप प्लेनेट वेजिटा के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका होता है। वो चारों ही सैयन फ्रीजा की स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम देखते कि सारे के सारे प्लेनेट वेजिटा के लोग उन सभी को बड़ी गौर से देख रहे होते हैं, और तभी फ्रीजा का कमांडर कहता है, माय लॉर्ड, लगता है कि कुछ सैयन हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सैयन और कोई नहीं बल्कि बाडोक और साथ ही में किंग वेजिटा और उनके दो छोटे बेटे हैं। जो सुनकर फ्रीजा हंसते हुए कहता है, क्या बात है, लगता है कि इन सैयन को मरने की सबसे ज्यादा जल्दी है, तो जाओ मेरे सेना, उन्हें जाकर सबक सिखाओ। हम देखते कि फ्रीजा फोर्स के सबसे ताकतवर शख्स हमला करने के लिए जाते हैं उन चारों के ऊपर, जिनका मुकाबला करने के लिए बाडोक और किंग वेजिटा सामने आते हैं, लेकिन गोकू और वेजिटा अपने एक ही हमले में फ्रीजा के सबसे ताकतवर सैनिकों को वहीं पर खत्म कर देते हैं, जो देखकर प्लेनेट वेजिटा के सभी लोग हैरान होते हैं। फ्रीजा भी हैरान होता है, और साथ ही में हम देखते कि बाडोक और किंग वेजिटा भी हैरान होते हैं, और तभी
फ्रीजा अपनी पूरी सेना को हमला करने के लिए बोल देता है प्लेनेट वेजिटा के ऊपर, लेकिन गोकू और वेजिटा पलक झपकते ही उनके सभी लोगों को एक झटके में ही खत्म कर देते हैं। वो सार ही प्लेनेट वेजिटा में एक एक करके गिरने लगते हैं। प्लेनेट वेजिटा के लोग देखकर कहते हैं, क्या आखिर ये सब भला क्या चल रहा है वहां ऊपर? ये तो फ्रीजा के सैनिक है जो लगातार एक एक करके हमारे प्लेनेट में गिर रहे हैं। आखिर कौन है वो जो कि फ्रीजा की सेना को खत्म कर रहा है? हम देखते तभी फ्रीजा सामने आता है और वो गुस्से में कहता है, हे बंदर, क्या तुम लोग जानते भी हो कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम एम्परर फ्रीजा के सामने टकराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम सभी बंदरों को धूल में बदल दूंगा। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा सामने आते हैं और तभी वेजिटा कहता है, आ जाओ फ्रीजा, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। पिछली बार तो तुमने कहकर रॉट ने खत्म कर दिया था, लेकिन इस बार तुम्हारा खात्मा मेरे हाथों होगा। जो सुनकर फ्रीजा काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, आखिर तुम भला ये क्या बकवास कर रहे हो बंदर? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। जो सुनकर गोकू कहता है, फ्रीजा तुम्हें ये समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम यहाँ पर फ्यूचर से आए हैं और तुम्हें हम वापस खत्म करेंगे, और इस बार हम अपने प्लेनेट वेजिटा को भी बचा कर रहेंगे, समझे? जो सुनकर फ्रीजा हैरान होता है, वो गुस्से में भी आता है और वो कहता है, तुम सैयन बंदर की इतनी हिम्मत कि तुम ये सोचो कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद फ्रीजा अपना हमला करता है गोकू के ऊपर। गोकू उसके हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है और तभी वेजिटा अपने काफी बड़ा हमला करता है फ्रीजा पर, जिससे फ्रीजा चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है। फ्रीजा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, आखिर ये बंदर इतने शक्तिशाली कैसे हैं, जबकि इनका मुकाबला मुझ जैसे एम्परर फ्रीजा के साथ में है। फ्रीजा लगातार अपने काफी सारे हमले गोकू और वेजिटा के ऊपर करने लगता है। वो दोनों ही धीरे धीरे कर पीछे हटते हैं। फ्रीजा हंसते हुए कहता है, देखा तुम सैयंस ने, तुम बंदर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद फ्रीजा अपने काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी फ्रीजा जोर जोर से हंसते हुए कहता है, एक छोटे बंदर का खेल तो अब खत्म हुआ और अब तुम्हारी बारी है, दूसरे बंदर। हम देखते कि फ्रीजा जोर जोर से हंस रहा होता है। बाडो कहता है, नहीं मेरा बेटा कैकरोट। लेकिन तभी वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, इसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही खत्म करूंगा, समझे? फ्रीजा वेजिटा की बात को सुनकर हैरान होता है, क्योंकि गोकू फ्रीजा के पीछे खड़ा होता है। और तभी गोकू अपनी सुपर सेन फॉर्म पे होता है। गोकू कहता है, वेजिटा, मैं ज्यादा देर तक इसके साथ में नहीं खेलने वाला, मैं इसे अभी खत्म कर रहा हूँ। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू अपना हमला करता है फ्रीजा के ऊपर। फ्रीजा उस हमले की वजह से चोट खाकर काफी दूर गिरता है। फ्रीजा का स्पेसशिप भी वहां पर एक धमाके के साथ में खत्म हो जाता है। और तभी वेजिटा भी अपना पावर अप करता है। वो कहता है, नहीं कैकरोट, इसे मैं खत्म करूंगा, समझे? मेरे रास्ते के अंदर आने की सोचना भी मत। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही लड़ने लगते हैं कि फ्रीजा को कौन खत्म करेगा। फ्रीजा ये सभी देखकर हैरान होता है और वो कहता है, आखिरकार इन बंदरों के पास इतनी ज्यादा शक्तियां, लेकिन कैसे? और इनका तो ये वही रूप है लेजेंडरी सुपर सियन का, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? मुझे लॉर्ड बीरस ने बताया था, लेकिन ये इतना जल्दी हो जाएगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गोकू और वेजिटा लड़ रहे होते हैं कि फ्रीजा को कौन खत्म करेगा। तभी बाडो कहता है, आखिरकार वाकई में क्या ये दोनों फ्यूचर से लौट कर आए हैं? इनकी हरकतों से तो ये दोनों अभी भी एक बच्चे ही लगते हैं। किंग वेजिटा कहते हैं, आखिरकार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? जल्दी, फ्रीजा कमजोर है, इसे इसी समय पर खत्म करो। हम देखते कि तभी फ्रीजा अपने काफी बड़ा हमला प्लेनेट वेजिटा की तरफ कर देता है, जिसे गोकू और वेजिटा बड़ी आसानी से हटा देते हैं। फ्रीजा ये सभी देखकर हैरान होता है और तभी गोकू और वेजिटा एक साथ अपने एक हमला करते हैं फ्रीजा की तरफ, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस हमले की वजह से फ्रीजा वहीं पर खत्म हो जाता है। हम देखते हैं जो देखकर सारे ही प्लेनेट वेजिटा के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि कैसे दो बच्चों ने फ्रीजा को खत्म कर दिया। बाडोक और किंग वेजिटा भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी गोकू और वेजिटा भी प्लेनेट वेजिटा की तरफ चले जाते हैं।
वो दोनों ही सभी लोगों से वहां पर मिलने लगते हैं, जिसके बाद हम सभी प्लैनेट बीरस को देखते हैं, जहां पर बीरस इस समय पर सो रहा होता है। लेकिन वीस को मालूम चल जाता है कि आखिरकार इस मल्टीवर्स के अंदर क्या हो रहा है, और तभी वीस बीरस के पास जाता है और बीरस को उठाने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किलों से बीरस उठता है और बीरस कहता है, क्या हुआ वीस, आखिर तुमने मुझे अपनी नींद से क्यों उठाया, इतनी मुश्किलों से तो मुझे नींद आई थी। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, माय लॉर्ड बीरस, मुझे माफ करना कि मैंने आपको उठाया, लेकिन मुझे आपको एक खबर देनी थी उस सयन प्लैनेट के बारे में। जो सुनकर बीरस कहता है, तो लगता है कि फ्रीजा ने उस प्लैनेट को खत्म कर दिया, ये काफी अच्छी बात है। वैसे भी आगे चलकर सयन सोच सकता था कि हमारे लिए खतरा बन जाए, और जो मैंने सपना देखा था सुपर सयन गॉड का, वो भी शायद अधूरा ही रह जाएगा। जिसके ऊपर वीस कहता है, नहीं माय लॉर्ड बीरस, जरा इसे देखिए, प्लैनेट वेजिटा के दो सयंस ने फ्रीजा को खत्म कर दिया है, और वो दोनों अभी के समय पर बच्चे हैं, और वो दोनों ही सुपर सयन फॉर्म पर भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका सुपर सयन गॉड का सपना सच हो सकता है लॉर्ड बीरस। बीरस वीस की बातों को सुनकर हैरानी के साथ कहता है, क्या दो सयन बच्चों ने उस फ्रीजा को खत्म कर दिया, लेकिन भला कैसे, ये नामुमकिन है। बीरस वीस के स्टाफ में सब चीजें देखने लगता है और बीरस हैरानी के साथ कहता है, वाकई में वो फ्रीजा उन दो सयन बच्चों से मारा गया, वैसे भी वो मेरे ज्यादा काम का नहीं था। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, तो अब आगे आपको क्या करना है। बीरस हंसते हुए कहता है, अब आगे हमें क्या करना है वीस, ये तुम भी जानते हो। चलो प्लेनेट वेजिटा में हम भी जाके उन सयंस को देखते हैं कि आखिरकार वो कितने शक्तिशाली है, और क्या मेरे सुपर सयन गॉड का सपना सच होता है, या फिर वो प्लेनेट वेजिटा मेरे यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों खत्म होता है। ये कहने के बाद बीरस और वीस निकल जाते हैं प्लेनेट वेजिटा की तरफ जाने के लिए। दूसरी ओर हम सभी प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर देखते हैं, जहां पर ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही ओमनी किंग से कहते हैं, ज़नोसामा, क्या आपको लगता है कि ये सही रहेगा गोकू और वेजिटा को पास्ट में भेजने के लिए, क्योंकि वो जो कुछ भी वहां पर करेंगे आने वाली टाइमलाइन के अंदर उसके ऊपर एक काफी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जो सुनकर दोनों ही ज़नोसामा मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो ग्रैंड प्रीस्ट, इन सभी के बारे में हमने पहले ही सोच के रखा है। देखना यह है कि गोकू और वेजिटा अब वहां पर क्या करते हैं, और जो कुछ भी हमने गोकू और वेजिटा के बारे में सोचा है, क्या वो दोनों इन सभी चीजों को कामयाब कर भी पाते हैं या फिर नहीं। ये कहने के बाद दोनों ही ज़नोसामा काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं, और तभी हम सभी को पता चलता है कि गोकू और वेजिटा का समय में पीछे जाना और कुछ भी नहीं बल्कि दोनों ही ओमनी किंग का काम है। ग्रैंड प्रीस्ट से भी देखकर थोड़े से हैरान होते हैं, लेकिन अब आगे इस कहानी में और क्या होने वाला है, ना ही ग्रैंड प्रीस्ट और ना ही दोनों ओमनी किंग को मालूम है।